हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जो है चालाक गधा। एक दिन एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। वह गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि गधा काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह गधा कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया। ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी तुम पर बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिरेगी, जैसे कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या के कारण तुम्हें बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई तुमसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो तुम्हारे आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में तुम्हें हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हिल हिल कर हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।